Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we had done two questions of exercise 4.2. In this class, we are going to do question number 4, 3 and 4 of exercise 4.2. Third question is, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था. देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें जो कांस्टेंट नंबर्स हैं प्लस और माइनस करके वेरिएबल को सेपरेट करना था. जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वेरिएबल को सेपरेट करना था. यहाँ पर वो दोनों स्टेप्स क्या है, मिक्स्ड है, कंबाइंड फॉर्म में है. देखो फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, 3n-2 इज इक्वल टू 46. अब देखो माइनस 2 आ रहा है तो इसे हटाना पड़ेगा हमें वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, और n के साथ मल्टीप्लाई में 3 भी आ रहा है उसे भी हटाना पड़ेगा. क्लियर? तो मींस एक बार तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस 2 आ रहा है, इस माइनस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ ताकि ये माइनस 2 कैंसिल हो जाए. क्लियर? फिर रह जाएगा हमारे पास 3n. अब इस 3n में से 3 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, 3n-2 प्लस 2 करेंगे हम, माइनस 2 को हटाना है. अगर हमने लेफ्ट में किया है तो राइट में भी प्लस 2 हमने क्या किया, ऐड 2 बोथ साइड्स. क्लियर? अब इसको देखते क्या बन गया, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना आया 3n और यहां पर 48. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, मुझे क्या करना है, इस n के साथ ये जो 3 आ रहा है इसे हटाना है, 3 मल्टीप्लाई में है, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसी से डिवाइड. नेक्स्ट स्टेप में 3n डिवाइड बाय 3, 48 डिवाइड बाय 3, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. क्लियर? वन बाय वन एक एक जो ये कांस्टेंट है उसको हम हटाते जा रहे हैं ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए. ठीक है, एक एक जो ये नंबर्स आ रहे हैं उनको हटाना है. अब 3 से 3 कैंसिल, 3 वन्स आर 3, 3 वन्स आर 3, 3 सिक्स आर 18. तो यहां देखो क्या रह गया, सिर्फ n वेरिएबल सेपरेट हो गया और इक्वल्स टू में क्या आ गया, 16. तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 16. क्लियर? सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, दैट इज n इज इक्वल्स टू 16. वेरिएबल्स को सेपरेट करना है स्टेप बाय स्टेप और लास्ट में हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. In similar way, you can do other parts of question 3. Now, let us do question number 4. Fourth question is, solve the following equations. Same जैसे third question किया है, वैसे ही है, हमने क्या करना है? Equation को solve करना है. First part हमें given है, 10p is equals to 100. 10p is equals to 100. अब यहां से देखो, P के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 10, तो हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 10 और डिवाइड में जो 10 आएगा वो दोनों कैंसिल होके P को सेपरेट कर दे. तो क्या करेंगे, 10P अपॉन P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन P, सॉरी 10. 10P जो ये P के साथ 10 आ रहा है उससे हमें डिवाइड करना है, 10P अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10. क्लियर? डिवाइड बाय 10 बोथ साइड्स. क्लियर? इस 10 से ये 0 कैंसिल हो गई, यहां से ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या रह गया मेरे पास, P इज इक्वल्स टू 10. तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 10. क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, देखो 10p plus 10 is equals to 100. अब
अब यहाँ पे 10 b के साथ ऐड हो रहा है पहले 10, तो पहले उस ऐड वाली 10 को हमें हटाना है। अब यहाँ प्लस का 10 है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 10, 10b प्लस 10, पहले तो ये एज इट इज। अब माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100 में से भी 10 माइनस, क्या किया, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, क्लियर। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 माइनस का, यहां पे कितना रह गया 90 और यहां पर 10p। अब देखो इस p के साथ 10 मल्टीप्लाई में आ रहा है, फिर इसे हटाना है, क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 10 से डिवाइड, सेम यहां पर करेंगे, 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 डिवाइड बाय 10 बोथ साइड्स, क्लियर। यहां कितना आ गया देखो, ये कैंसिल, इधर से ये 0 से 0 कैंसिल, यहां कितना रह गया p और यहां पर 9, तो मेरे पास जो p की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 9। आया समझ, क्या करना था, वेरिएबल को सेपरेट करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है कि हम किसी भी गिवन इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करके अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। आई होप अब आप किसी भी गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।